माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीट 5 लेक्चर्स एंड टुडे आई विल टीच 6 लेक्चर्स ऑफ मैट्रिसेस। माय 6 लेक्चर्स मैट्रिसेस का है बेटा, इसमें हम आपको बताएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग है कि दो मैट्रिक्स की तुलना करने पर उन्हें अगर इक्वल माना जाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है, लेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट करते हैं इफ टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एल बाई के आर इक्वल इफ टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर इक्वल। तो फर्स्ट केस, व्हाट इज द फर्स्ट केस? नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी, राइट। दैट एग्जांपल, एक नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, दैट मींस यू कैन से एम क्रॉस एम इक्वल टू एन क्रॉस के, दैट मींस एम बाई एन इक्वल टू एल बाई के, राइट। सेम एज के सेकेंड, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, रोज इन बी। फॉर एन एग्जांपल, नंबर ऑफ रो इन ए इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ रो इन बी इक्वल टू एल, तो एम इक्वल टू एल। एंड थर्ड केसेस, नंबर ऑफ कॉलम इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, नंबर ऑफ रो इन ए इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू के, सो दैट मीन्स एन इक्वल टू के। एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है, एंड द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बी, इन बी, दैट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स एनी एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू एनी एलिमेंट ऑफ बी आई जे फॉर एवरी आई इक्वल टू 1, 2, 3 एंड डैश आई बिलोंग टू रो एम एंड जे इक्वल टू 1, 2, 3 एंड डैश एंड जे बिलोंग टू कॉलम। तो दिस दीज आर द कंडीशंस ऑफ इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो नाउ वी लिसन अगेन,
फॉर एन एग्जाम्पल, लेट फॉर एन एग्जाम्पल लेट इफ ए इक्वल टू ए 11, ए 12, ए 21 एंड ए 22 एंड बी इक्वल टू बी 11 एंड बी 12 एंड बी 22 एंड बी 21 एंड 22. लिसन, इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल. तो वी टेक ओनली ऑर्डर सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर का मीन्स मैंने क्या कौन सा टेक किया है, 2x2 ऑर्डर. फर्स्ट मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम. तो नंबर ऑफ रो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मींस नंबर ऑफ रो इज 2 एंड 2 कॉलम दैट मींस 2 कॉलम का मींस 2 वर्टिकल लाइंस. तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2x2 ऑर्डर एंड सेम है 2x2 ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का हो गया. तो फर्स्ट कंडीशन होती है इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम, राइट. थर्ड केस क्या होता है, सेकंड केस नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. अगर ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम. अब बात आती है इफ ए इक्वल टू बी, कंडीशन कह दिया उन्होंने ए इक्वल टू बी है तो कब इक्वल होगा, तो इनको इक्वल ले लेते हैं. A 11, A 12, A 21 and A 22, B 11, B 12 and A, B, यहाँ पर B आया होता, हाँ B 21 and B 22. अगर if A equal to B तो correspondingly must be equal, correspondingly मतलब A 11 must be equal to B 11, A 11 must be equal to B 11, A 12 equal to B 12, A 12 equal to B 12, A 21 equal to A 22, A 21 equal to B 21 and A 22 equal to B 22. तो बेटा क्लियर हुआ आपको कि हाउ टू कंपेयर टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल एंड फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, अगर हमें कोई भी टू मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम का मीन नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी. नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल से कराता हूँ. बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे क्लियर करेंगे कैसे इक्वलिटी है मैट्रिक्स को फाइंड आउट कराता है. देखिए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमें गिवन है एंड B इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू B, हमें पहले तो बता दिया गया है कि इफ A इक्वल टू B देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A B C X Y Z. तो फर्स्ट यू राइट इफ A इक्वल टू B, तो फर्स्ट यू राइट A इक्वल टू B, तो फर्स्ट यू टेक A एंड सेकंड वी टेक B एंड राइट इक्वल साइन. फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो बी चेक, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन ऑर्डर मस्ट बी सेम. तो फर्स्ट वी चेक ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर, यू नो हाउ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम एज नंबर, व्हाट द ऑर्डर ऑफ बी आल्सो 3x3 ऑर्डर, हाउ फर्स्ट वी चेक 1 सेकंड 3rd 3 रो एंड कॉलम 1 2 3 3 ऑर्डर, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम. तो ऑर्डर सेम है इसका मतलब है इक्वल आर पॉसिबल, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वलिटी आर नॉट पॉसिबल, राइट. तो ये कंडीशन क्लियर है कि हम इक्वलिटी होल्ड कर सकते हैं. तो इक्वलिटी होल्ड लिख लीजिए यहां पर x प्लस 3 जेड प्लस 4 एंड 2y माइनस 7 सेकेंड माइनस 6 a माइनस 1 एंड 0 एंड b माइनस 3 माइनस 21 एंड 0 इक्वल टू 0 6 एंड 3 बाय माइनस 2 एंड माइनस 6 माइनस 3 एंड 2c प्लस 2 एंड 2b प्लस 4
एंड माइनस 21 एंड 0, राइट। अब मैं सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन फर्स्ट क्या होता है A11 एंड B11, A11 मस्ट बी इक्वल टू B11, दैट इज इंप्लाई दैट x+3 मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज इंप्लाई दैट x=0 - 3, x=-3, तो b के द वैल्यू ऑफ x, राइट, सेम x, सेकंड करस्पोंडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड करस्पोंडिंग एलिमेंट, सेकंड करस्पोंडिंग एलिमेंट z+4 मस्ट बी इक्वल टू 6, तो z=6-4, तो z=2, सेम एज नेक्स्ट एलिमेंट 2y-11 मस्ट बी इक्वल टू 3y-2, तो 2y-7 इक्वल टू 3y-2, तो 2y-3y इक्वल टू -2+7, 2y-3y-y इक्वल टू -2+7+5, then we get y equal to -5. Now third element, -6 = -6 is given, not required. a-1 = -3. a-1 = -3. Then we get the a = -3 and -(-+1). So a = -2. Same as 0 = 2c+2. 0 = 2c+2. So c = -2c = 2 and c = but 2 by 2 cancel हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Next -b-3 = 2b+4. b-3 = 2b+4, then b-2b = 4+3, and -b = 7, then b = -7, same as -21 = -21, 0 = 0। तो इस तरह से बेटा हमने देखा किस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाली। एग्जाम में एक पॉइंट बहुत ध्यान रखा, जितनी भी वैल्यू निकाली है लास्ट में हम एक स्टेप जो लिखते हैं जिसका हमें हाफ मार्क मिलता है। हैंस वी गेट x = -3, z = 2, y = -5, b = -7, a = -2, c = -1। ओके बॉयज, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम बताएंगे इसके।